दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंप्रेसर के बारे में फील्ड में जाकर आपको बताएंगे इनके पार्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। खासतौर से रिसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर और उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जाना था, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं और साथ में टाइम टू टाइम आपको इंडस्ट्री में बहुत सी मशीन और प्लांट के प्रोसेस प्लांट्स के बारे में भी बताता हूं, ताकि आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक्स करिए, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में, मैं हूँ सुधीर सैनी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फील्ड में प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कराने से पहले हम आपको स्लाइड के माध्यम से बताएंगे कि रिसिप्रोकेटिंग टाइप का जो टू स्टेज कंप्रेसर है वो एक्चुअल वर्क कैसे करता है। इसमें सबसे पहले एक फिल्टर लगा होता है, इसके अंदर फिल्टर लगा होता है जिस फिल्टर से एयर सक करती है और ये सक करके सक्शन वाल्व के थ्रू ये फर्स्ट स्टेज में जाती है। फर्स्ट स्टेज में जो सिलेंडर होता है इसको पहले कंप्रेस करता है और उस डिस्चार्ज वाल्व से ये इंटरकूलर में जाती है, क्योंकि ये कंप्रेस होने के बाद इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड फर्स्ट स्टेज के बाद ये 3 kg के आसपास का प्रेशर डेवलप हो जाता है और ये डेवलप होने के बाद इसका टेम्परेचर, जो कंप्रेस होने के बाद जो टेम्परेचर होता है वो 150 से 160 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और इसको कूलिंग करने की बहुत ज़रूरी होती है। तो हम इसके लिए इंटरकूलर का यूज़ करते हैं, जिसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। इसमें कूलिंग टावर से जो पानी आता है या जो वाटर आता है वो इसमें सर्कुलेट होता रहता है और इसमें से जो एयर गुजारी जाती है तो कूलिंग वाटर इसको ठंडा कर देता है। तो ये इंटरकूलर के द्वारा ठंडी हो जाती है और ये नॉर्मल 35 से 40 डिग्री के आसपास की एयर प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब हम इसको दोबारा, हमको क्योंकि 7 kg के आसपास प्रोसेस प्लांट में हमको प्रेशर चाहिए है, तो इसके लिए हमको इसको सेकंड स्टेज से गुजारा जाता है। सेकंड स्टेज में दोबारा सक होता है, सक्शन वाल्व के द्वारा ये दोबारा सक हो जाता है। तो पहले पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। सेकंड स्टेज में भी इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये करीबन 150 से 180 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन इसका प्रेशर 7 kg के आसपास पहुँच जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके द्वारा अब ये जो 150 से 180 डिग्री का टेम्परेचर की जो एयर होती है वो आफ्टर कूलर में कूल कर ली जाती है, जो कि कूल होने के बाद इसका टेम्परेचर जो होता है 35 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और इसके बाद जो एयर होती है उसको प्रॉपर फिल्टर कर लिया जाता है और ड्राई के द्वारा उसको मॉइस्चर सेपरेट कर लिया जाता है, और ड्रायर से मॉइस्चर सेपरेट होने के बाद ये स्टोरेज टैंक में चली जाती है। स्टोरेज टैंक के बाद हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस में ले लेते हैं। प्रकार ये जो टू स्टेज कंप्रेसर है वो वर्क करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये कंप्रेसर का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये शिकागो न्यूमेटिक कंपनी का कंप्रेसर है, 446 CFM का, 446 CFM का ये कंप्रेसर है। ये इसका HMI है, ये फ्रंट पैनल है और HMI है। इस HMI में पूरा स्टेटस दिया हुआ है कि यहाँ पे कितने डिग्री का टेम्परेचर है, कितने प्रेशर पे ये वर्क कर रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग कैसे हो रही है, क्या टाइमिंग है, लोड अनलोड हो रहा है, और ये इनका नंबर ऑफ बटन्स लगे हुए हैं। तो ये इसका कंट्रोलिंग पैनल है जिससे ये कंट्रोल होता है। अब हम इसको, ये उसके पैनल के में ये इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, हर पैनल पे लगे हुए रहते हैं इंस्ट्रक्शन कि एक हमको इसको कैसे फॉलो करना है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही हम कंप्रेसर को ऑपरेट करते हैं। और अब हम कंप्रेसर के को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये फील्ड में कैसे वर्क करता है। अब हम ये कंप्रेसर पे पहुंच गए हैं
अब हम सबसे पहले कंप्रेसर के पार्ट दिखा देते हैं आपको कि कंप्रेसर के कौन कौन सा पार्ट है। कंप्रेसर में सबसे पहले यहाँ पे जो ये एरिया है ये फिल्टर कहलाता है, और ये जो है फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ से फर्स्ट स्टेज से एयर जो होती है ये सेकंड स्टेज में जाती है। यहाँ बीच में इंटरकूलर लगा होता है, ये इंटरकूलर लगा हुआ है। इंटरकूलर यानी हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर में कूलिंग वाटर कूलिंग टावर से आता है जिसमें 25 से 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है। और ये जो कूलिंग टावर से आया हुआ पानी होता है ये हीट जो सक्शन यहाँ से जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की जो एयर जाती है वो एयर को कूलिंग वाटर एक्सचेंजर से हीट एक्सचेंजर को उसको कूल कर देता है, और फिर ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो एयर होती है वो यहाँ पे इस स्टेज पे सेकंड स्टेज पे आ जाती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में 3 kg, 2.5 से 3 kg के आसपास एयर होती है, ये 2.5 से 3 kg के आसपास की एयर जो होती है ये सेकंड स्टेज में आ जाती है। और ये जो दिया हुआ है सेकंड स्टेज, अब ये सेकंड स्टेज में जो सक्शन वाल्व इसको सक कर लेता है पहले तो एयर को, और उसके बाद इसको कंप्रेस करता है पिस्टन के द्वारा। इसमें क्या होता है, ये जो बीच में एक गियर बॉक्स होता है इसके द्वारा दोनों पिस्टन साइमल्टेनियसली रेसिप्रोकेटिंग जो इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि ये आपस में इसको कंप्रेस करता है, पहले इस सेक्शन की एयर कंप्रेस होगी उसके बाद सेकंड इस स्टेज की, और इसके बीच में गियर बॉक्स लगा होता है और इसके अंदर ऑयल भरा होता है। इस गियर बॉक्स में ये कंटिन्यू घूमता रहता है, इसमें दोनों साइड सिलेंडर मूव करते रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज की जो एयर होती है वो सेकंड स्टेज की एयर इस जो सेकंड स्टेज से होके ये जो इंटरकूलर होता है सेकंड स्टेज का आफ्टर कूलर जो होता है इस आफ्टर कूलर में जाती है। यहाँ पे ये जो बिना पेंट का जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 100 से 180 डिग्री के आसपास रहता है, और यहाँ पे एयर का प्रेशर 7 kg के आसपास होता है। तो यहाँ पे 7 kg की एयर यहाँ से आउट होती है, और ये जो इंटरकूलर एरिया है और हम इसको और भी अच्छी तरीके से हम दोबारा इसको समझ लेते हैं कि ये एयर किस प्रकार से आती है। सबसे पहले ये जो एरिया है ये है जो ये कहलाता है फिल्टर, इससे एयर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जाती है। ये जो फिल्टर है इस फिल्टर के द्वारा एयर पहले फर्स्ट स्टेज में जाती है, और फर्स्ट स्टेज के सक्शन वाल्व द्वारा यहाँ पे ये जो पाइप्स लगे हुए हैं ये सक्शन वाल्व के हैं, ये सक कर रहे हैं एयर को इंटरनली। ये जो फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज में एयर को सक कर रहे हैं। अभी हम फ्रंट व्यू से भी देख लेते हैं, ये जो सक्शन वाल्व है यहाँ पे सक्शन वाल्व है, ये एयर आई इन सक्शन वाल्व फर्स्ट स्टेज में चली गई, उसके बाद यहाँ पे ये कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद जो सेक्शन है यहाँ पे पिस्टन लगे होते हैं, और पिस्टन से कंप्रेस होके यहाँ से एयर सेकंड स्टेज में जाती है। लेकिन ये पहले इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये पहले हीट एक्सचेंजर में जाती है, या इंटरकूलर में कहते हैं, इंटरकूलर में जाती है, और ये इंटरकूलर के द्वारा फिर ये सेकंड स्टेज में जाती है। और ये सेकंड स्टेज में ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये सेकंड स्टेज में है, और सेकंड स्टेज के बाद ये आफ्टर कूलर में जाती है, ये जो दिया हुआ है आफ्टर कूलर। यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस ये हीट एक्सचेंजर के द्वारा आफ्टर कूलर के द्वारा इसको पहले कूल कर लिया जाता है। ये इसमें हीट एक्सचेंजर भी लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप इसका नेम प्लेट कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर शिकागो न्यूमेटिक का है, इसके द्वारा इसमें ठंडा कर लिया जाता है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है 30 से 35 डिग्री के आसपास आ जाती है। यहाँ पे इसका प्रेशर 7 kg के आसपास होता है, और यहाँ से फिल्टर होती है यहाँ पे जाती है एयर, फिर यहाँ पे मॉइस्चर सेपरेटर से मॉइस्चर सेपरेट होता है, फिर ये NRV में जाती है, ये NRV नॉन रिटर्न वाल्व से होके, और यहाँ पे जो प्रेशर स्विच सेंसर लगा हुआ है NRV से होके फिर ये स्टोरेज टैंक में चली जाती है।
ये स्टोरेज टैंक के लिए गई है, ये पाइप जो दिया हुआ है ये स्टोरेज टैंक में है। कुछ में स्टोरेज टैंक में पहले जाती है और स्टोरेज टैंक्स के बाद ये मॉइस्चर सेपरेटर ये एयर ड्रायर में चली जाती है। इसके बाद ये एयर ड्रायर में जाती है, जैसा कि ये एयर ड्रायर दिया हुआ है, जो एयर है एयर ड्रायर में जाती है और उसके बाद ये इसमें दिया हुआ है इसका फंक्शन कि यहाँ से जो आया फिर एयर ड्रायर में गया और ये एयर ड्रायर के बाद हम इसके एयर को डायरेक्ट फील्ड में भेज देते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो इसके बाद मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।